हम आपको रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़े अपडेट्स के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसके समाधान के लिए इस वक्त आप जानते हैं दुनिया की निगाहें कहाँ हैं। दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं हिंदुस्तान पर, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव भारत पहुंच रहे हैं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं, और अमेरिका के जिस डेप्यूटी NSA दलीप सिंह ने रूस पर प्रतिबंधों का खाका तैयार किया, उन्हें भी अमेरिका ने भारत भेजा है। यानी वॉर भले ही यूक्रेन में लड़ी जा रही हो, लेकिन उसके समाधान यानी हल की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में, कैपिटल दिल्ली में इस वक्त ये कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, भारत दौरे पर पहुंचे हैं रूस के विदेश मंत्री, और इसीलिए कह रहे हैं कि इस वक्त सबकी निगाहें अगर कहीं पर टिकी हैं तो वो भारत है। क्या भारत अहम रोल निभा सकता है रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसे लेकर, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और रूस के विदेश मंत्री भारत में है, ऐसे में क्या किसी तरह का कोई समाधान निकल पाएगा। इससे पहले आप याद करें यूक्रेन की तरफ से भी ये कहा गया था कि जिस तरह की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से शेयर करते हैं तो उन्हें इसमें अहम किरदार निभाना चाहिए, उन्हें इसमें मेडिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो रूस के विदेश मंत्री भारत में, और कल उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। वैसे जब से वॉर शुरू हुई है तब से आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की दोनों से बात हुई है। यूक्रेन में पुतिन के गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा है। खबरें आई थी हमले कम होंगे, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कीव में धमाके बढ़ गए हैं। रूस की तरफ से वॉर जोन में ऐसे लड़ाके उतर चुके हैं जिनकी मौजूदगी दुश्मनों के दर्दनाक अंत की गारंटी है। यूक्रेन पलटवार की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस का वार इतना भीषण है जिसका जवाब यूक्रेन की सेना के पास मौजूद ही नहीं। की खार्किव, मरियोपोल, चर्निही, डोनबास नाम अलग अलग है, लेकिन तबाही की तस्वीर एक जैसी है, कहीं कम कहीं बहुत ज्यादा। ऐसे में नेटो और अमेरिका परेशान है, विध्वंसक पुतिन को रोकें तो कैसे रोकें। पुतिन सोच रहे हैं यूक्रेन और उनका समर्थन कर रहे देशों को कैसे घुटनों पर लाएं, और दुनिया सोच रही है कब ये वॉर खत्म होगी, कब दुनिया में बढ़ रही तेल गैस की कीमतें काबू में आएंगी। और अब इस संकट का समाधान दुनिया को हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। दुनिया को लग रहा है जिसके पास हिंदुस्तान का समर्थन है वो इस विवाद में विरोधियों से आगे है। यही वजह है यूक्रेन वॉर में बड़ी भूमिका निभाने वाले देशों के दूत युद्ध काल के बीच दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिका के डिप्टी NSA और भारतीय मूल के दलीप सिंह, जिन्होंने यूक्रेन वॉर के बाद रूस के खिलाफ अमेरिका के कड़े प्रतिबंध लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिलहाल भारत में है। इसके अलावा ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी, जो यूक्रेन वॉर के बाद लगातार रूस पर हमलावर रही है, भारत पहुंच चुकी है। वहीं यूक्रेन वॉर में व्लादिमीर पुतिन के बाद सबसे अहम भूमिका निभाने वाले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव भी 1 अप्रैल तक भारत में रहेंगे। अब सवाल उठता है, जिस वक्त दुनिया यूक्रेन वॉर के साइड इफेक्ट से जूझ रही है, दुनिया की बड़ी शक्तियों को भारत की याद क्यों आ रही है? अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े देश क्यों भारत से घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं? इसकी कई वजह है। दुनिया में कई देश यूक्रेन वॉर का समाधान तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे किसी गुट के साथ जुड़े हैं। भारत फिलहाल तटस्थ है, ऐसे में यूक्रेन वॉर के समाधान में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश जानते हैं दुनिया की बड़ी शक्ति, एशिया की सुपर पावर और बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत जिस खेमे के साथ आया वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा।
हर खेमा भारत को अपनी तरफ जाता है, दो कारण है मेन। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है भारत, हम इंपोर्ट बहुत करते हैं खास करके डिफेंस और ऑयल, और हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है। तो अगर अमेरिका और यूरोप को सैंक्शंस लगाने हैं रशिया के ऊपर, तो भारत का भी एक अहम रोल है रशियन इकोनॉमी के साथ, उसको वो काटना चाहते हैं अमेरिका और नेटो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की, जो रूस के लिए बेहद नाजुक वक्त में देश से बाहर निकले, पहले चीन गए और अब अपने सबसे भरोसेमंद देश यानी भारत पहुंचे हैं। सर्गेई लावरोव के भारत दौरे पर जिन मुद्दों पर चर्चा सबसे ज्यादा अहम होगी, उसमें नंबर एक पर है यूक्रेन वॉर। रूस के विदेश मंत्री यूक्रेन वॉर को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा लावरोव यूएन में अमेरिकी प्रेशर के बावजूद रूस के खिलाफ वोटिंग न करने पर भारत को धन्यवाद दे सकते हैं। भारत और रूस तेल डील पर, खासतौर पर लेन देन की मुद्रा पर भी चर्चा होगी। वहीं S-400 की डिलीवरी पर भी चर्चा होगी। भारत को बचे हुए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी भी इस दौरान बड़ा मुद्दा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध में जो संकट पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, वो है बढ़ती तेल कीमतों का संकट। यूक्रेन में बम फट रहे हैं और तेल की कीमतों में आग लग रही है। फिलहाल भारत में भी तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, और ऐसे में रूस, जिसके तेल और गैस को यूरोप और अमेरिका प्रतिबंधित कर रहे हैं, अपने तेल के लिए बड़ा बाजार तलाश कर रहा है। रूस से भारत को सस्ते तेल का ऑफर मिला तो भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत से इस तेल के भुगतान की मुद्रा पर बातचीत कर सकते हैं। रूस अब अपने तेल का दाम रूबल में मांग रहा है। फिलहाल रूस भारत की तेल डील इस वक्त दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, फिलहाल के लिए जो हम डिस्काउंट में, जो 25-27% डिस्काउंट में तेल खरीद रहे हैं रूस से, ये हमारे लिए फायदे में है। हमें कुछ तो सस्ता मिल रहा है, चाहे थोड़ी मात्रा थोड़ी है, और रूस के लिए भी फायदा है, क्योंकि रूस को जिस भी फॉर्म में, शायद वो यूरो में पेमेंट मांग रहा है हमसे, हम यूरो में पेमेंट दे रहे होंगे इस ऑयल का। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पहले अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह भारत पहुंचे। अमेरिका में अगले महीने होने वाली भारत अमेरिका 2+2 वार्ता से पहले उनकी भारत में मौजूदगी कई मायनों में अहम है। दिलीप सिंह ने इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के शिल्पकार रहे दिलीप सिंह की यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस पर भारत के रुख पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। In response to his aggression, there has been, we presented a united front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong. इस बयान के बाद अमेरिका ने सफाई भी दी। भारत रूस के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए भारत को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करने की बात भी कही। ऐसे में जिस वक्त रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत दौरे को लेकर अमेरिका टेंशन में है, दलीप सिंह का भारत में होना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। और भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक समझदारी गहरी हो रही है। भारत और अमेरिका दोनों नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके एक दूसरे के लिमिटेशंस को समझ सकते हैं, और जाहिर है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका का जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन, जो अमेरिका के बाद रूस पर सबसे ज्यादा हमलावर है, उसकी फॉरेन सेक्रेटरी भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ यूक्रेन वॉर के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगी। जाहिर तौर पर इसमें यूक्रेन का मुद्दा काफी अहम होगा। इस बात की संभावना भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत को रूस को समझाने या फिर दबाव बनाने के लिए मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। फिलहाल दुनिया को इस बात की उम्मीद भी है कि भारत यूक्रेन वॉर में समाधान निकालने पर बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में लगातार दिल्ली वैश्विक नेताओं की अगवानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपके लिए बड़ा अपडेट यह है कि रूस के विदेश मंत्री के भारत दौरे के बीच अमेरिका ने इशारों में ही सही भारत को चेतावनी दी है। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह का बड़ा बयान आया है, वो कह रहे हैं चीन से जंग हुई तो बचाव में रूस नहीं आएगा। रूस चीन के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है, ये अमेरिका कह रहा है। आपको ये भी याद दिला देते हैं कि दलीप सिंह भारत दौरे पर है।
एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाया कि कैसे पूरी दुनिया की निगाह है रूस यूक्रेन वॉर के समाधान को लेकर, भारत पर टिकी हुई है और इस सब के बीच अमेरिका द्वारा एक तरह की चेतावनी, आप इसे कह सकते हैं, अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ये कह रहे हैं कि अगर रशिया और चाइना के रिलेशंस की बात की जाए तो नो लिमिट पार्टनरशिप है, जिसका सीधा सा मतलब है अगर भारत की चाइना से जंग हुई तो बचाव में रूस नहीं आएगा और भारत के लिए ये मुश्किल सिचुएशन हो गई। और सोचिए भारत में आकर इस तरह की बयानबाजी अमेरिका द्वारा की जा रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।